बुरहानपुर की, जहां पर जिले के किसान आपदा की मार झेल रहे हैं। ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, जिसमें मुख्य रूप से केला, कपास, मक्के की फसल शामिल है। आज क्षेत्र के किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के नेतृत्व में किसानों के बीमा और मुहावरे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसडीएम पल्लवी से भी चर्चा की तो उन्होंने मुआवजा वितरित करवाने की बात कही है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर बुरहानपुर जिले में जो हुई है, पिछले बार की प्राकृतिक आपदा का मुआवजा तो आज तक नहीं मिला, और जो घटना ग्रामीण क्षेत्र में और कोपनार में खासकर हुई, अभी जो बाढ़ पीड़ित हमारे किसान साथी हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, खेती करते हैं, उनका जो नुकसान हुआ, जो नदी किनारे बसने वाले उनके मकानों में नुकसान हुआ। जिला किसान कांग्रेस बुरहानपुर के द्वारा आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, क्या मांगे उनकी मैडम? उनके द्वारा मांग की गई कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिलवाया जाए। अभी प्रारंभिक तौर पर है, जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद उसकी जानकारी दी जाएगी। कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 6 बार इस वर्ष किसान प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, बार बार ओलावृष्टि को, अति बारिश को या आंधी तूफान को, और मुआवजा सर्वे ठीक तरीके से यहाँ होता नहीं, इसके प्रति किसानों में आक्रोश है। आज हमने ज्ञापन दिया है, मैंने से बात भी की, तो पटवारियों की हड़ताल है, तो कहने का मतलब राजस्व आमला ठीक से इसका सर्वे नहीं करेगा तो किसानों को मुआवजा मिलना संभव नहीं है। किसान तो इतना हुआ है कि जिसकी भरपाई शायद ही हो। आप देखेंगे मोहना नदी पे पिछले दिनों आई बाढ़ में पूरे डैम फट चुके हैं, मतलब 6 से 7 डैम थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वहाँ पे किसी प्रकार का पानी रुक नहीं पा रहा है। उसके साथ में अभी जो पिछले 3 दिनों में अति वर्षा हुई है, उसमें सारी फसलें